Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स. ये किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के, अगर आप एस्पिरेंट्स हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप इन सब सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. ये वीडियो आपको रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में उपलब्ध हो जाती है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूरोपीय संघ और भारत के बीच साझेदारी पर 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुई है. तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के तहत ये जो सम्मेलन हुई थी, ये हुई ही नई दिल्ली में जनपद में राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में. तो ऑप्शन क्या हो गए हमारे, डी नई दिल्ली. ठीक है. और इनका उद्देश्य ये था इसके तहत कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में यूरोपीय संघ और भारत के सहयोग को बढ़ावा देना है. तो चीज़ें क्लियर हो गई. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. किस राज्य में नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट की दूसरी बैठक आयोजित हुई. वो कौन सा राज्य है जहाँ नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट की दूसरी बैठक हुई. तो ये है असम. ऑप्शन हो जाते हैं सी असम. देखिए असम के गुवाहाटी में ये हुई है. एंड इनका उद्देश्य ये था कि पर्यटन, बांस, आपकी डेयरी, मत्स्य पालन और चाय से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, इनके विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं, उन पर इनका ध्यान केंद्रित करना और इन पर इनकी चर्चा हुई. और तो ये ध्यान रखना है कि नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट की जो दूसरी बैठक हुई, ये हुई असम में. ऑप्शन हो जाते हैं सी. और असम से रिलेटेड कुछ बात करूँ तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है. वहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी और गवर्नर है जगदीश मुखी. मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, ये आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. किसने अपने उपन्यास संचरम के लिए साहित्यिक अकेडमिक पुरस्कार जीता है. ये कौन से शख्स हैं. तो इनका नाम है एस रामकृष्णन. ये बहुत ही अनुभवी तमिल लेखक है. ये 52 वर्ष है, 52 ईयर्स ओल्ड है. और देखिए इन्हें अपने संचरम के लिए इस साहित्य अकेडमिक पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि नंद स्वरम कलाकारों के जीवन से संबंधित है. और अगर हम रामकृष्ण की बात करते हैं तो ये देखिए 27 सालों से लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक, बच्चों के साहित्य और अनुवाद लिखते आ रहे हैं. इन्हें टैगोर साहित्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी याल पुरस्कार और इवन तमिलनाडु सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है. तो ये थे कुछ इनके लिए अतिरिक्त बातें, याद रखिएगा. ऑप्शन हमारे हो गए सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने एथलेटिक्स फेडरेशन एथलेटिक्स अवार्ड 2018 में पुरुष और महिला विश्व एथलीट से सम्मानित किया गया. ये कौन से शख्स हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने पुरुष श्रेणी और महिला श्रेणी इन दोनों की बात की है, जो कि एथलेटिक्स अवार्ड 2018 से सम्मानित हुए हैं. तो पुरुष की श्रेणी में जिन्हें मिला है इनका नाम है एलियूट किपचॉग. और जो महिला की श्रेणी में आती है इनका नाम है कैटरिन इर्बागुएन. तो ऑप्शन हो गए हमारे ए और बी बोथ. एग्जाम्स में अब ये मत कंफ्यूज करिएगा कि दोनों आ जाएंगे, किस पे टिक करेंगे, ऐसा नहीं है. मान लीजिए अगर पूछा जाता है ना तो एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाएगा कि पुरुष की श्रेणी में एथलेटिक्स अवार्ड 2018 जो है ये किसे नवाजा गया. तो ये है आपके एल्बर्ट किपचॉग. और एग्जाम में आएगी कि महिला की श्रेणी में किसे नवाजा गया, तो इनका नाम है कैटरिन इर्बागुएन. समझ आ गई चीज़ें. देखिए एलियट किपचॉग जो है ये केन्या के मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक है, ये केन्या के रहने वाले हैं. और कैटरिन इर्बागुएन जो है वो कोलंबिया की रहने वाली हैं. तो ये चीज़ें क्लियर हो गई. और ये पहली बार है जब इन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन एथलेटिक्स अवार्ड 2018 में ग्रिमाल्डी फोरम में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स अवार्ड से नवाजा गया है. ऑप्शन हमारे ए और बी बोथ है, पुरुष की श्रेणी महिला श्रेणी दोनों में. और आप ये याद रख सकते हो कि आपकी हमारी जो एथलेटिक्स फेडरेशन एसोसिएशन है, इसके जो हेडक्वार्टर है वो मोनाको में है. देखिए एल्बर्ट किपचॉग ने ना 78 सेकेंड में वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. और अब मैं बात कर लूँ मैराथन क्या होती है, क्योंकि ना मैंने कमेंट्स में पढ़े थे, उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि मैराथन होती क्या है. मैराथन को आप समझ सकते हो एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस रेस कह लो आप इसे, जिससे कम्प्लीट किया जाता है दौड़,
या तो मान लीजिए उसमें दौड़ की प्रतियोगिता होती है या फिर वॉकिंग की भी होती है, या कुछ दूर आप दौड़िए फिर उसके बाद वॉकिंग कर लीजिए, मतलब चलिए, तो ये सारा ओवरऑल मिला के होता है। तो एक तरह से रोड रेस से संबंधित मैराथन आप कह लीजिए, एक लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर तक आपको दौड़ने की जो प्रतियोगिता होती है ना, इसे हम मैराथन कहते हैं। तो आई थिंक कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसको एक्सिस कैपिटल के संयुक्त प्रबंध निदेशक और सह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक्सिस कैपिटल के जो एमडी एंड सीईओ थे ना, धर्मेश मेहता, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। तो उसके बाद संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त हुए सलील पिटाले जी, और सह सीईओ के पद पर नियुक्त हुए हैं चिराग निगंदी जी। तो यहाँ भी कंफ्यूज मत करिएगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बात आती है कि अगर संयुक्त प्रबंध निदेशक के बारे में पूछा जाएगा तो सलील पिटाले हो जाएंगे, और अगर सर सीईओ की बात आएगी तो चिराग निगंदी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ सब चीज़ों को कवर कर दिया है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स मिल जाए उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। भारत का सबसे भारी कौन सा संचार उपग्रह फ्रांसीसी गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? फ्रांसीसी गुयाना, फ्रांस गुयाना जो है ये एक देश, देखिए फ्रांस की जो फ्रांस गुयाना है इसकी राजधानी है, मैं बता दूँ केमेन, केमेन इसकी राजधानी है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। तो वहाँ से भारत का एक बहुत ही भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया गया, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी सेट इलेवन। ऑप्शन हो जाते हैं ए, GS-80-11, ऑप्शन है ए। ठीक है, देखिए ये ना इसरो द्वारा निर्मित है, इसरो का ये सबसे भारी और सबसे उन्नत उपग्रह कहा जा रहा है। इसकी जो वजन है ना वो है 5854 किलोग्राम का ये है। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं। और इसरो की अगर मैं बात करूँ तो इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और वहाँ के डायरेक्टर है के सिवान, ये जरूर याद रखिए, हमारे इसरो के जो डायरेक्टर है उनका नाम है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर का उपयोग करके दुनिया की पहली पूरी तरह से काम कर रही ई मोटर बाइक नीरा का उत्पादन किस देश द्वारा किया गया है? इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं एक इस तरह की, एक देखिए ई बाइक है, ई मोटर बाइक है जिसमें 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें एयरलेस टायर है। टायर यूजुअली क्या होती है, उसमें हवा भरी होती है ना, इसकी जो टायर है ना वो एयरलेस है, मतलब हवा नहीं है उसमें। एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स है, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसका 3D प्रिंटर का उपयोग करके इसे बनाया गया है, और ये जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है, ये देश है जर्मनी। ऑप्शन हो जाते हैं ए। देखिए 12 हफ्तों का इन्होंने समय लिया है, मतलब 12 वीक्स लगे इसे बनाने में, तो ऑप्शन हो गए ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। देखिए किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ये कौन से पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है? इनका नाम है गौतम गंभीर। ऑप्शन हो जाते हैं ए। और गौतम गंभीर के अब करियर पे आते हैं कि 2003 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था बांग्लादेश में के खिलाफ, ODI से, वनडे इंटरनेशनल से इन्होंने शुरू किया था अपना करियर, और 5 दिसंबर को जो इनकी दिल्ली आंध्र ट्रॉफी में है इसमें इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। तो ऑप्शन हो गए ए, गौतम गंभीर। ये हमारे पूर्व भारतीय बल्लेबाज है जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, मतलब रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की कंदामल हल्दी को शीघ्र ही विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया जाएगा? पहले तो ये समझ लीजिए, मैं बताती हूँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होती क्या है। तो देख लीजिए, ये राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा में जो ये कंदामल हल्दी मिल रही है इसके लिए इन्हें भौगोलिक पहचान ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जल्दी प्रदान किया जाएगा। अब देखिए ये जो हल्दी है ना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जाती है, और ये कंदामल के जनजातीय लोगों की प्रमुख नकदी फसल है। अब समझ लीजिए कि ज्योग्राफिकल टैग, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होती है वो होती क्यों है, मतलब ये क्या है, इसे क्यों दिया जाता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? तो देखिए जब कुछ भी मतलब विशेष उत्पाद जो होते हैं, ये कृषि के क्षेत्र में हो सकते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, औद्योगिक के क्षेत्र में, मतलब कुछ ऐसी जो चीज़ें होती है, तो इन सामानों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से उत्पन्न हो रहे हैं या वहाँ निर्मित हो रहे हैं, 10 साल या उससे ज़्यादा। तो इन उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है,
और देखिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके पीछे, ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम टैग दे रहे हैं इसके पीछे ये होता है ना कि इन उत्पादों को संरक्षण प्रदान करना है, ठीक है, कि हम इन्हें कैसे संरक्षित करके रखें। तो इसके तहत इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलती है ताकि भविष्य में भी वो चीज़ें निरंतर बरकरार रहे। समझ आ गई चीज़ें। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स मैं दूँ, जैसे कि सिक्किम की जो बड़ी इलायची है, कन्नौज का परफ्यूम है, मैसूर का रेशम है, वॉलनट की लकड़ी पर जो नक्काशी होती है, गोवा की फैनी, इन सारी चीज़ों का ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान है। अब आप मुझे बताना, आज का मैं क्वेश्चन ये दे रही हूँ कि वो उत्पाद बताइए हमारे भारत का, जो सबसे पहले हमारे भारत का कौन सा वो उत्पाद है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, भौगोलिक पहचान जो दी गई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, वो किस उत्पाद को दी गई, वो पहला उत्पाद क्या था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एयरपोर्ट से पिथौरगढ़, जैसलमेर, गोरखपुर, इलाहाबाद और कन्नूर जैसी जगहों के लिए हवाई यात्रा सुविधा आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है। मतलब इस एयरपोर्ट से पिथौरगढ़, जैसलमेर, गोरखपुर, इलाहाबाद और कन्नूर की जो यात्रा है वो तय की जा सकेगी और ये फरवरी में स्टार्ट होगी। फरवरी 2019 से इस एयरपोर्ट से उड़ान भरी जा सकती है। तो ये है हिंडन, ऑप्शन हो जाते हैं ए हिंडन। अब देखिए ये जो हिंडन है ना, ये हिंडन नदी के बहुत ही समीप में ये एयरपोर्ट है। अब थोड़ी अगर कंफ्यूजन हो रही है कि हिंडन कहाँ स्थित है ना, किस प्लेस में है, तो देखिए ये गाजियाबाद के बहुत ही समीप ये हिंडन एयरपोर्ट है, ऑप्शन है ए हिंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों में अंग्रेजी भाषा के लिए चयनित किया गया है, किसे, सॉरी मतलब कौन से वो शख्स है जिन्हें 2018 की जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हें चुना गया है। इनका नाम है अनीस सलीम और इनकी एक उपन्यास है द ब्लाइंड लेडीज़ डिसेंडेंट्स। इस उपन्यास के लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, ऑप्शन हो गए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए चयनित किया गया है। पहले हमने बात की इंग्लिश भाषा की, अब हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं। तो ये चित्रा मुद्दल है और इनकी जो उपन्यास है हिंदी भाषा में वो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। तो ये इनकी उपन्यास का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203। इस उपन्यास, ये जो पूरी हिंदी भाषा में, इसके तहत इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2018 है उसके लिए इन्हें चयनित किया गया है, ऑप्शन हो गया ए। तो याद रखिएगा अंग्रेजी में किसे चयनित किया गया है और हिंदी में किसे चयनित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थयात्रा सेवा आरंभ कराए जाने के लिए पंजीकरण आरंभ किया गया है। मतलब देखिए ये राज्य है और वहाँ पर जो तीर्थयात्री होते हैं ना, वरिष्ठ नागरिक के जो तीर्थ कराया जाता है, तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, मतलब फ्री, और इसके लिए यहाँ पंजीकरण आरम्भ कर दिया गया है और ये राज्य है नई दिल्ली। देखिए पहले आओ के आधार पर यहाँ चयन होगा, मतलब पहले आइए पहले पाइए इस टाइप में है यहाँ, तो इसीलिए यहाँ निःशुल्क तीर्थयात्रा होगी और पहले आओ के आधार पर यहाँ चयन किया जाएगा। और दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला दो दिवसीय भारत एशियान इनोटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ। तो देखिए ये संपन्न हुई नई दिल्ली में, ऑप्शन हो जाते हैं ए नई दिल्ली। देखिए मैंने बताया होगा अपने पीछे वीडियोस में भी, जितने भी सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, सम्मिट वगैरह, तो अगर हमारे इंडिया की बात आती है ना, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं ना, 90% चांसेस होते हैं कि वो दिल्ली में होते हैं। तो ये एक जस्ट एक ट्रिक है, लाइक मतलब जब आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आ रहे हो ना, तो आप एक रक्स ले सकते हो, बट हाँ भाई पढ़ाई पहले करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बात बता दूं कि इसमें जो भारत और एशियान इंटोटेक शिखर सम्मेलन हुई है, इसमें जितने भी एशियान कंट्रीज़ है, तो हमारे टोटल देखिए 10 एशिया कंट्रीज़ है, ठीक है, एशियान कंट्रीज़ 10 है, तो ये 10 कंट्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और मैं बता दूं एशिया, ये जो एशिया इनोटेक है इसका सम्मेलन हुआ और इन्होंने इसमें अभिनव विकास की पहले तो मैं इसकी थीम बता दूँ, इसका थीम था कि भारत एशियान इनोटेक शिखर सम्मेलन जो था, इसका थीम था अभिनव विकास की ओर बढ़ रहा है। और इसके पीछे इनका उद्देश्य ये था कि अनुसंधान के जितने भी व्यवसाय हैं ना, उनके व्यवसायीकरण को और सक्षम करना है। इसमें भारत के जो एशियन देश है उसके साथ भागीदारी और साझेदारी के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी के शीर्ष तक शीर्ष तक पहुंचना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसमें इसके बारे में चर्चा हुई है, मैंने शॉर्ट में बता दिया, ये नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा कौशल विकास परियोजना के तहत भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $85 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन में बात ये आ रही है कि $85 मिलियन के लिए हस्ताक्षर हुआ है भारत का एक बैंक के साथ, और ये बैंक जो है वो है आपकी एशियाई विकास बैंक, ADB बैंक, इन दोनों के बीच में समझौता हो। अब किस राज्य के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास परियोजना के तहत, ये राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा की जो कौशल विकास परियोजना है इसके तहत $85 मिलियन का जो लोन है वो प्रोवाइड कर रही है ADB बैंक हमारे भारत को। और इसके तो समझ आ गई, ऑप्शन हो गए ए उड़ीसा, और इसकी जो हेडक्वार्टर भी आप ध्यान रख सकते हो, जो एशियाई विकास बैंक है ना इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एंड उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल जी। और ये जो कौशल विकास परियोजना के लिए ये लोन ले रहे हैं इसमें होगा क्या ना, देखिए ये इसकी जो प्रशिक्षण केंद्र है ना ये भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी, और यहाँ छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं इसके तहत। ऑप्शन है ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मतलब अभी तक हमारे भारत से सह्याद्री पर्वत पर किसी ने नहीं चढ़ा था, ये हमारे पहले भारतीय बन गए हैं। इनका नाम है तुहिन सत्कर, ऑप्शन है ए। और देखिए अब मैं बात करूँ सह्याद्री पर्वत जो है ये कहाँ है, मतलब किस ओर स्थित है, तो देखिए ये जो है ना ये पश्चिम घाटों की पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम घाटों की तरफ स्थित है, जो कि यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल भी है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं, ये क्योंकि ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी है, और ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि दुनिया में ये सबसे गर्म स्पॉट, मतलब 8 जो गर्म स्पॉट्स है, जो मतलब गर्म जगहें जो पाई जाती है उसमें से ये एक है। तो जो तुहिन सत्कर जी हैं इन्होंने सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में 3 मार्गों में चढ़ने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। इन्हें समय लगा था 16 नवंबर से 28 नवंबर तक इनकी ये यात्रा थी। ऑप्शन हो गए ए तुहिन सत्कर। देखिए मैं आपको कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दिया करती हूँ, बट हाँ फोकस आप जरूर करिएगा क्वेश्चंस पे कि सह्याद्री पर्वत पर श्रृंखला पर चढ़ने वाले पहले भारतीय तो हो गए तुहिन सत्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑन साइबर सेफ्टी नामक एक पुस्तिका किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ये पुस्तक है ई हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑन साइबर सेफ्टी पे एक बुक आई है और ये लॉन्च की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, सी गृह मंत्रालय। देखिए इनका जो मेन उद्देश्य है ना, आजकल हो क्या रहा है, जो सोशल मीडिया हो रही है ना, और जितनी भी मान लीजिए जितना जो इंटरनेट का चलन आजकल चढ़ा है, स्मार्टफोन रह रहे हैं बच्चों के हाथ में, सोशल मीडिया, तो इन सब में साइबर सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है ना, तो उसके लिए ही ये गृह मंत्रालय के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। कि ये बुक कहा गया है कि ये स्कूल में बच्चों को साइबर सेफ्टी के तहत जागरूक करने के लिए इस बुक को बांटा जाए, हर जगह बच्चों में जागरूकता फैलाना है कि साइबर सेफ्टी, अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ भी रखिए। तो जितने भी युवा है उन्हें ऑनलाइन जितने भी अपराध होते हैं उसके लिए जागरूक कराना है। ये अंग्रेजी भाषा में ये पुस्तक है, और देखिए ये किताब जितने भी मतलब मान लीजिए विभिन्न प्रकार के जो साइबर अपराध आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे इसमें मान लीजिए कि आपकी जो ID होता है ना, ID चोरी हो जाती है, फिर जो नौकरी की धोखाधड़ी होती है, ऑनलाइन कहते हैं कि नौकरी लगवा देंगे, ईमेल स्पूफिंग होती है, तो ये सारी चीज़ों से अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस बुक को लॉन्च किया गया है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है एंड इस बुक को गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, और हमारे गृह मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सूडान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? देखिए ये जो 8वां सत्र था ना ये राजनीतिक, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण तालमेल की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। मतलब इन सारी चीज़ों की इसमें चर्चा की गई थी और ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। ऑप्शन हमारे हो जाते हैं डी नई दिल्ली। तो याद ये भी रखना है कि भारत और सूडान के बीच में भी जो विदेश कार्यालय परामर्श हुई थी इसका भी जो 8वां सत्र हुआ था ये नई दिल्ली में हो गई। ऑप्शन हो गया डी नई दिल्ली। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 7 दिसंबर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
अगर आपको कुछ डाउट है या मान लीजिए कुछ भी डाउट है जीके या करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी हुई है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट, और थैंक यू।